हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम जो है वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जो है वो देखने वाले हैं, साथ में हम जो है वो इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11th 12th वगैरह में भी है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, फाइनल ईयर में भी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो इसकी तैयारी आप जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, आखिर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जो है वो क्या बताया गया है और हम जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, बट इससे पहले कुछ कुछ डायग्राम के हेल्प से मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। उसके बाद जो है वो हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जो है वो समझेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ पहले थ्योरी को शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये सब चीज को मैंने ऑलरेडी डिटेल में अपने चैनल में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है और इसी चैप्टर में मैंने ये सब चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। बट यहाँ पे हम जो है वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में एक बार और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डी ब्रॉगली का क्या कहना है, 12 नेचर पाया जाता है किसी पदार्थ में। मतलब जैसे कोई पदार्थ है तो वो जो पदार्थ होते हैं वो पार्टिकल के समान भी बिहेव करते हैं और उनमें जो है वो वेव नेचर भी पाया जाता है। मतलब किसी पदार्थ में तरंग और पार्टिकल दोनों का गुण जो है वो पाया जाता है। पार्टिकल मतलब आप छोटे छोटे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज को जो है वो ले लीजिए, उनकी जो है वो गति होती है एक वेव के समान, जो है वो उनका नेचर होता है। तो डी ब्रॉगली ने अपने सिद्धांत में यह बताया था, अपने अकॉर्डिंग यह बताया था कि 12 नेचर का होता है कोई पदार्थ। सेकेंड चीज, हम लोग एक और बोर का एटॉमिक मॉडल भी जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया था कि कोई जैसे एटम है, एटम के बीच में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में जो है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं और इनके चारों ओर जो है वो घूमते रहते हैं, ऐसा बोर के एटॉमिक मॉडल में कहा गया है। एक और हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। और इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन निश्चित नहीं होती है, जैसे कि बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस ऑर्बिट में जो है वो घूमते रहते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा है कि इस इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित स्थिति जो है वो नहीं होती है। मतलब हम जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को जो है वो नहीं बता सकते। मतलब टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के बारे में। लास्ट में हम जो है वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखेंगे। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में ये बताया गया है, मतलब इन सारे प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो इन्होंने एक इक्वेशन प्रस्तुत किया है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इन्होंने बताया है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सबको मिला करके उन्होंने अपना जो है वो एक इक्वेशन रेडी किया हुआ है और इक्वेशन को हम जो है वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी विशेष कक्षा में नहीं घूमते हैं, मीन्स ऐसे ऑर्बिट में जो है वो नहीं घूमते हैं, इसकी जो है वो पाए जाने की प्रायिकता होती है। मतलब इन्होंने हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं फॉलो किया है और उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक निश्चित स्थिति जो है वो नहीं होती है, हम इलेक्ट्रॉन के करेक्ट पोजिशन को नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो है वो प्रायिकता जरूर होती है। तो इसी चीज के ऊपर जो है वो श्रोडिंजर ने अपना जो है वो वेव इक्वेशन जो है वो प्रस्तुत किया है, जिसे श्रोडिंजर तरंग इक्वेशन या श्रोडिंजर तरंग समीकरण जो है वो कहा जाता है। सो गाइस, ये सब चीजों को अपने नोट्स में आपको लिखना नहीं है, मैंने जस्ट आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताया हुआ है, यहां से आपको लिखना है इंट्रोडक्शन से। तो जो चीज मैंने आप लोगों को बताया सेम आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। देखिये क्या लिखना है, डी ब्रॉगली की परिकल्पना, 12 नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब डी ब्रॉगली ने 12 नेचर दिया हुआ था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक निश्चित स्थिति या एक करेक्ट पोजीशन जो है वो नहीं हो सकता। उन्हीं के आधार पर एटम का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया 1920 में। मैंने कहा था कि दोनों के सिद्धांतों को उन्होंने फॉलो किया और उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने एटम का जो है वो एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, 1920 के आसपास प्रस्तावित किया गया, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में घूमता हुआ ना मानकर किसी विशेष स्थान में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पर बल दिया गया। मैंने कहा ना कि इन्होंने बोर के एटॉमिक मॉडल को नहीं माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में पाए जाते हैं, इन्होंने ये माना
कि इलेक्ट्रॉन, इन्होंने नया मॉडल प्रस्तुत किया, इसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर हुआ? अब चलिए इसका आप डेफिनेशन लिखिए। किसी एटम में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंजर की तरंग समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? कोई एटम है तो नाभिक के चारों ओर उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, उसका उन्होंने जो है वो यूज किया और तरंग समीकरण जो है वो उन्होंने प्रस्तुत किया, इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों का अध्ययन किया और उन्हीं के ऊपर जो है वो इन्होंने अपना वेव इक्वेशन दिया हुआ है, जिसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहा जाता है। थ्योरी पार्ट आप लोगों को समझ आया गाइस? अब चलिए हम इसका जो भी इक्वेशन वगैरह है वो सब देखेंगे, साथ में हम इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी करेंगे। तो ये पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये है आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसका आगे हम डेरिवेशन करेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कैसा है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी जरूर पढ़ा हुआ है, तो थर्ड ईयर में बहुत ईजी हो जाएगा। सेम वही चीज है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल जीरो। अब एक एक का मतलब हम यहाँ पे जानेंगे। तो एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक है। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एच जो है वो प्लैंक कॉन्स्टेंट है। ई जो है वो टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और साई जो है वो वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब चलिए इसी इक्वेशन को हम जो है वो डेरिवेशन इसका जो है वो करेंगे। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, मतलब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की उत्पत्ति। क्लियर हुआ आपको? तो हमें पता है एनर्जी इक्वल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ऊर्जा इक्वल गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, जहां पर m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और v जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम 1/2 mv स्क्वायर लिखेंगे और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसे हम v करके लिखते हैं। तो ये आपका समीकरण एक हुआ। यहां तक क्लियर हुआ आपको? समीकरण एक को अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 m into mv स्क्वायर अपॉन m। ऐसा क्यों लिखते हैं? ताकि आगे हम इक्वेशन में इसका यूज कर सके। अब देखो, m और m को कट करोगे तो वही मतलब है, इसलिए हम लोग m into mv स्क्वायर अपॉन m करके लिखे हैं। अब देखिए क्या है, 1/2 mv होल स्क्वायर अपॉन m। क्लियर हुआ आपको? तो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, mv होल स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो समीकरण 2 हुआ आपका। अब चलिए आगे देखते हैं। mv के वैल्यू को डी ब्रोगली समीकरण mv इक्वल h अपॉन लैम्डा से प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो mv है उसके जगह हम h अपॉन लैम्डा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर इक्वल h अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर 2 करके लिखेंगे 2m। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर एच स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर m। समीकरण 2 हुआ, मतलब इसे हम लोगों ने ऊपर नीचे किया हुआ है। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब हम लोग जो है वो समीकरण 3 का मान जो है वो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 जो है वो आपका ये वाला है, 1/2 mv स्क्वायर प्लस v। तो समीकरण 3 का मान जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो E इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर की जगह अपन जो है वो इसको लिख देंगे। तो ये यहाँ पर लिखेंगे प्लस v करके जो है वो हो जाएगा। ये हम लोगों ने समीकरण 1 में वैल्यू रखा हुआ है। अब v को हम इस तरफ लाते हैं तो E माइनस v इक्वल, ये हम जो है वो लिख देंगे। समीकरण 4 हुआ आपका। अब जो है वो लैम्डा स्क्वायर को इधर ले आते हैं और ये जो E माइनस v है उसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन टी 2m इंटू E माइनस वी। ये आपका हो गया समीकरण 5। यहां तक क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को? अब चलिए आगे देखते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति में घूमता है, इसके लिए एक्स दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा गया है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर हम वो तरंग गति में घूम रहा है, वेव नेचर है उसका,
तो अगर हम जो है वो एक्स दिशा के लिए तरंग समीकरण निकाले तो इस प्रकार से लिखेंगे, हम इसका एक्स वाई जेड तीनों दिशा के लिए जो है वो निकालेंगे, बट यहां पे हम केवल एक्स दिशा के लिए जो है वो निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ एक्स के लिए निकाले हैं, प्लस फोर पाई स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल जीरो समीकरण छह। समीकरण पांच से डेल स्क्वायर का वैल्यू समीकरण छह में रखने पर, अब यहां पे देखिए डेल स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर हमें यहां पर मिला था, आपको पता है ये समीकरण पांच में हमें डेल स्क्वायर मिला था, तो डेल स्क्वायर के वैल्यू को हम जो है वो यहां पर सीधा रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा फोर पाई स्क्वायर साइन, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब डेल स्क्वायर की जगह हम लोगों ने ये पूरा वैल्यू को रखा हुआ है एच स्क्वायर टू एम ई माइनस वी, तो ये ऐसा रखेंगे तो ये 2m जो है वो ऊपर चला जाएगा अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल जीरो। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए सेम चीज हम लोगों ने लिखा हुआ है 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m करके लिखा हुआ है अपॉन एच स्क्वायर, और ये जो साई है वो यहां पर आ जाएगा। समीकरण छह, समीकरण सात आपका बना। अब आगे क्या करना है आपको, ये जो 4 इंटू 2 है उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 पाई स्क्वायर m हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये केवल एक्स एक्सिस के लिए है, हम जो है वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए जब लिखेंगे इस चीज को, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के लिए भी सेम यही चीज को लिख करके इसको प्लस कर देंगे, और ये आपका श्रोडिंजर समीकरण जो है वो बन जाएगा। क्लियर हुआ गाइस आपको आज का टॉपिक? इसके बाद हम जो है वो इसका एप्लीकेशन देखेंगे, क्या क्या उपयोगिता है श्रोडिंजर समीकरण का, यूज हम क्या क्या किस चीज के लिए करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, इसके अलावा चैनल में और भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, चेक जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।